घर में बहुओं पर हुक्म चलाने में सबसे आगे होती हैं सासें। और भैया, अगर सास कोकिला मोती जैसी हो तो फिर तो भगवान ही आपका मालिक है। Hey everyone, I am Ananya Srivastav and welcome to our YouTube channel V for Innovative. सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होने में जरा भी समय नहीं लगता। जैसे आग झपकते ही बिना मतलब के विनोद वायरल हो गया था, वैसे ही स्टार प्लस का पॉपुलर टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। सोशल मीडिया पर सभी आजकल पूछ रहे हैं, रसोड़े में कौन था। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कोकिला बहन गोपी बहू से सेम क्वेश्चन पूछती है। अरे आप एकदम सही सोच रहे हैं, ये साथ निभाना साथिया वही सीरियल है जिसमें गोपी बहू ने अपने पति देव अहम का लैपटॉप पानी और साबुन से धो दिया था। इसे कौन सा साबुन लगाओ? अब इतना मत सोच। इस सीरियल में कोकिला बहन, जिनका असली नाम है रूपल पटेल, उनका कैरेक्टर बड़ा ही दमदार दिखाया है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि उनके फैंस जानना चाहते होंगे कि असल जिंदगी में उनका रोल कैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रूपल पटेल की पूरी लाइफ और सक्सेस स्टोरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। गोपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? रूपल पटेल एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और ये जानी जाती हैं अपने कैरेक्टर कोकिला के लिए। और इनका रसोड़े में कौन था इंडिया में आजकल एकदम टॉप ट्रेंड है। और प्रेजेंट में ये एक सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में मीनाक्षी राजवंश का रोल प्ले करती है। रूपल जी का जन्म 2 जनवरी 1975 को सपनों की नगरी मुंबई में हुआ था। इन्हें बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का बड़ा शौक था। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक्टिंग में स्पेशल ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जो कि न्यू दिल्ली में है। इतना ही नहीं, इनका खुद का थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है पैनोरामा आर्ट थिएटर्स, जो कि मोस्टली बच्चों के लिए प्लेस कंडक्ट करवाता है। रूपल के पास कॉमर्स की भी डिग्री है। इन्होंने डायरेक्टर श्याम बेनेगल के साथ कुछ फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा ये बहुत सारे शोज में स्पेशल अपीयरेंस में भी नजर आई हैं। इनको हमेशा ही स्ट्रॉन्ग और ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए चुना जाता है। टीवी सीरीज 40 एंजल्स के इंडियन रिमेक में, यानी कि CATS के एक एपिसोड में इन्होंने हार्डकोर और स्ट्रिक्ट वार्डन का रोल भी प्ले किया है। और तो और, इंडियन मॉम्स के फेवरेट क्राइम सीरियल क्राइम पेट्रोल में भी काफी एपिसोड्स में फीचर हुई हैं ये। इन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था महक मूवी से, जो कि ये 1985 में रिलीज हुई थी। उसके बाद रूपल दिखाई दी थी मूवी अंतरनाथ, मामो, समर और सांबर सालसा में। रूपल ने अपना टेलीविजन डेब्यू बनाया ये 2001 में स्टार प्लस के टीवी सीरियल शगुन से बाय प्लेइंग द रोल ऑफ लाखी। इसके बाद रूपल जी एक गुजराती सीरियल सौ दादा ससुना में भी नजर आई थी और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मिली सीरियल साथ निभाना साथिया से बाय प्लेइंग द रोल ऑफ कोकिला मोदी। साल 2017 में रूपल ने स्वच्छ भारत इंडिया प्रोजेक्ट के लिए काम भी किया था। और तो और, इस प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी यही थी। और इतना ही नहीं, दो बार इन्हें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है अपने काम के लिए। अब मैं रूपल पटेल जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो इनके पेरेंट्स की इतनी जानकारी नहीं दी है, पर हाँ, इनकी दो बहनें हैं। इनकी शादी हुई है एक्टर राधा कृष्ण दत्त जी से। राधा कृष्ण दत्त ने सीरियल श्री कृष्ण में भगवान विश्वकर्मा जी का रोल कैरेक्टर प्ले किया था। और तो और, ये मूवीज अपहरण और चक्रव्यूह में भी दिखाई दिए हैं। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है हर्ष पटेल। शो में आपने अक्सर रूपल को एकदम डार्क मेकअप और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोकिला का कैरेक्टर प्ले करने वाली रूपल जी को ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। अपनी ऑफ स्क्रीन लाइफ में ये एकदम साधारण और बिना मेकअप के ही रहना पसंद करती हैं। इनकी पसंद की बात करूं तो इनके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन जी हैं, फेवरेट एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी, आशा पारेख जी, नरगिस जी और नूतन जी हैं, और इनकी फेवरेट सिंगर हैं अलका याग्निक जी। रूपल जी को घूमने और पढ़ने का बड़ा शौक है। इतनी फेमस एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इन्हें सोशल रहना ज्यादा पसंद नहीं है। ये अपने काम और फैमिली पर ज्यादा फोकस करती हैं। पटेल जी ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि स्टार परिवार अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स सीरियल साथ निभाना साथिया में उनकी परफॉर्मेंस के लिए।
ये काफी रिलीजियस पर्सन है और स्पिरिचुअल गुरु गगनगिरी महाराज जी की फॉलोअर भी हैं। ऑन स्क्रीन भले ही कितनी भी स्ट्रिक्ट और बॉसी हो, पर रूपल जी अपनी असल जिंदगी में एकदम अपोजिट हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।